नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक पर। एक्चुअली मैं भी कहीं बाहर ही हूं तो इसीलिए मैं लाइव तो नहीं आ पाया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि किस तरीके से भारतीय टीम में वापसी करेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्योंकि लगातार ये खबर आ रही है कि T20 फॉर्मेट में इनको टीम में चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि भाई किसी भी हाल में इनको टीम में लिया जा सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी अवेलेबल नहीं है जो सोर्सेस से खबर आ रही है। सूर्य कुमार यादव को चोट ही लग गई जिसकी वजह से वो खेलेंगे नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ में। और चूंकि दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच आपका मात्र दो दिन चला, दो दिन भी नहीं चला, तो अगर आप कहीं से भी रोहित शर्मा विराट कोहली को देखते हैं T20 वर्ल्ड कप में अगर लाना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि 11 तारीख से सीरीज की शुरुआत है अफगानिस्तान के खिलाफ में। 3 T20 मैच खेल लेंगे तो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और उसके बाद फिर 25 तारीख से आपका टेस्ट मैच है, तो 11, 14, 17 ये 3 अगर T20 मैच खेल लेते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, और उससे उसके बाद अगर मान लीजिए कि 25 से टेस्ट मैच खेलते हैं तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सीधे ही व्हाइट बॉल से उनको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को रेड बॉल के लिए, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा इशू है नहीं। एंड कम से कम जो इंडियन टीम के फैंस हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भैया रोहित शर्मा विराट कोहली को अगर अफगानिस्तान के खिलाफ में चुना जाता है तो उसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये स्कीम ऑफ थिंग्स में है आने वाले समय में 110%। जैसे कि स्पोर्ट्स टॉक ने भी कहा है कि भाई क्या इसका नतीजा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन क्रिकेट अब एक बिजनेस भी है और मुझे लगता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना आप T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम अभी फिलहाल बनाते हुए नहीं जाओगे। मेरे को नहीं लगता कि इनके बिना टीम खेलेगी, बाद बाकी अभी पता चल जाएगा बहुत जल्दी जब टीम का अनाउंसमेंट होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, साथ ही साथ सिराज भी अवेलेबल नहीं होंगे। 2 टेस्ट मैचेस के लिए भी स्क्वाड बनाया जाएगा, वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि शार्दुल ठाकुर के साथ में आप कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, या फिर आप अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से किसको टेस्ट मैच में लेकर के आओगे, क्योंकि इंडियन कंडीशन में टेस्ट मैच होगा इंग्लैंड के खिलाफ में, और ऐसे में स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। T20 फॉर्मेट में आपके विकेट कीपर कौन होंगे, क्या केएल राहुल के साथ में जाओगे या फिर ईशान किशन, जितेश शर्मा में से किसी एक को लेकर के आओगे, तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पर कि हमारी नजर बनी हुई है। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी अब क्या होता है, किस तरीके से चयन करता है डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से चयन करता जो है वो पूरी तरीके से टीम को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही टीम की अनाउंसमेंट होगी आई विल लेट यू नो, मैं आपको जरूर बता दूंगा कि भाई ये प्लेयर इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस में इनको शामिल किया गया है। बट जहां तक खबर आ रही है उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की T20 टीम में वापसी होते हुए नजर आएगी। तो लेट्स सी, अभी क्रॉसिंग माय फिंगर्स और इंतजार कर लेते हैं, एक बार टीम आने दीजिए उसके बाद लाइव आएंगे और लगातार चर्चा करेंगे। तो बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।